2 सितंबर को बीजापुर दंतेवाड़ा सीमावर्ती इलाके एंड्री पुरंगेल लावा जो थाना के अंतर्गत आता है, यहाँ पर पश्चिम बस्तर डिवीजन, दरभा डिवीजन एवं पीएलजी कंपनी नंबर 2 की नक्सलों की उपस्थिति की आसूचना पर दंतेवाड़ा से डीआरजी बस्तर पैट्रिक टीम एवं सीआरपीएफ 111-230 यंग प्लाटून की टीम ज्वाइंट ऑपरेशन में लॉन्च हुई थी। और आज मॉर्निंग 3 सितंबर को टीम ने जब घेराबंदी किया तो नक्सलों द्वारा फायरिंग किया गया, उसके पश्चात जवाबी कार्रवाई की गई। मुठभेड़ पश्चात 9 नक्सलियों का वर्दीधारी नक्सलियों का शव बरामद हुआ, साथ ही में हथियार, ऑटोमेटिक वेपन्स जैसे SLR-303 फैक्ट्रीमेड वेपन्स, इसके अलावा 315 बारूद, अन्य वेपन और भारी मात्रा में गोला बारूद और उनके दैनिक उपयोग के सामान भी बरामद किए गए हैं। इस ऑपरेशन में सभी जवान सुरक्षित हैं और अभी सर्च अभियान जारी है। आगे की जानकारी की तरफ से दी जाएगी। देखिए, जब से हम लोग सरकार में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से नक्सलवाद के साथ बहुत मजबूती के साथ सरकार लड़ रही है, हमारे जवान लड़ रहे हैं, हमारे जवानों के बहादुरी को भी हम सलाम करते हैं। और अभी 9 नक्सली मारे गए हैं और इस बहादुरी के लिए हम हमारे बलों का साहस को सलाम करते हैं। और अब नक्सलवाद सिकुड़ते जा रहा है और बहुत जल्दी इस प्रदेश से नक्सलवाद का खात्मा होगा।